ऑटो क्या मतलब, एक प्राइवेट जॉब करते थे, उससे जब मतलब वो ख़त्म हो गया तो फिर ऑटो चलाए, तो उसको फिर ख़त्म कर दिए। इसलिए कि आपकी पत्नी का जॉब हो सके, उसको पढ़ाने लिखाने में जो खर्च हो उसको पूरा कर सके, उसको आप पूरा कर सके। इनकी पत्नी का जॉब हो गया, इनकी पत्नी बिहार पुलिस बन गई, तो इनको भी कुछ उसी तरह से इनकी पत्नी ने लात मार दिया। यहाँ पे जो माही लिखा हुआ है, ये इनके प्यार की गवाही देती है कि ये अपनी पत्नी माही से कितना प्रेम करते हैं। उनका जितना भी रिश्ता नाता था, जो भी प्यार मोहब्बत की कहानी थी, सब खत्म हो गया। हाल कुछ यूं है कि जिस बंदे ने घंटों मेहनत किया, ऑटो चलाया, दिन दिन भर खून पसीना बहाया अपनी पत्नी का सपना पूरा करने के लिए, अभी वही पत्नी इनको अलग अलग धाराएं लगाने की बात करती है। आपने सुना होगा प्यार अंधा होता है, और बहुत सारे घटना के बारे में भी आपको पता होगा, प्यार से रिलेटेड बहुत सारी घटना होती रहती है आए दिन। आलोक मौर्या और ज्योति मौर्या की जो स्टोरी है अभी फिलहाल ट्रेंड में चल रही है। बात क्या है, आलोक मौर्या, उन्होंने अपनी पत्नी ज्योति मौर्या को पढ़ाने के लिए बहुत ही संघर्ष किया, अपने फोर्थ ग्रेड के जॉब से बहुत ज़्यादा पैसे बचा के उनको पढ़ाने में बहुत ज़्यादा उनका जो है योगदान रहा। लेकिन जब उनकी पत्नी का जॉब हो गया, SDM बन गई उनकी पत्नी, तो उनकी पत्नी ने आलोक मौर्या को लात मार दी। मतलब साफ है कि जब उनकी पत्नी का जॉब हो गया, तो आलोक मौर्या से उनका जितना भी रिश्ता नाता था, जो भी प्यार मोहब्बत की कहानी थी, सब खत्म हो गया। अभी उसी तरह की घटना है जो कि भागलपुर के घोगा की है। क्या नाम हुआ अभी आपका? लक्ष्मण कुमार। इनकी कहानी भी कुछ उसी तरह की है, और मिलती जुलती कहानी इसलिए है कि इन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए ऑटो चलाया, दिन दिन भर मेहनत किया, उसके बाद जब इनकी पत्नी का जॉब हो गया, इनकी पत्नी बिहार पुलिस बन गई, तो इनको भी कुछ उसी तरह से इनकी पत्नी ने लात मार दिया। आखिर कब से आपका जो प्यार का ये चल रहा था, कब से आप प्यार करते हैं? 2016 से ही। मतलब बहुत ही पहले से आप उनको पसंद करते हैं, और लड़की भी आपको पसंद कर रही थी। आपने पढ़ाने के लिए क्या क्या किया? बहुत कुछ, मतलब पढ़ाने के लिए क्या, मतलब उसका जॉब हो सके, उसका मतलब कि ख्वाहिश ही था, एक बचपन का ख्वाहिश था कि हमको बिहार पुलिस बनना है, तो उसने जैसे बताया था, और मतलब हमको पूरा का पूरा विश्वास था। आप बता रहे थे कि आपने ऑटो दिन दिन भर ऑटो चलाया, उसकी जॉब के लिए बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम किया है। ऑटो क्या मतलब, एक प्राइवेट जॉब करते थे, उससे जब मतलब वो ख़त्म हो गया, तो फिर ऑटो चलाए, तो उसको फिर ख़त्म कर दिए। इसलिए कि आपकी पत्नी का जॉब हो सके, उसको पढ़ाने लिखाने में जो खर्च हो उसको पूरा कर सके, उसको आप पूरा कर सके। आपकी पत्नी का क्या नाम है? पूजा कुमारी। बिहार पुलिस में किस वर्ष उनका जॉब हुआ? 2022 में। मतलब कि 2016 का जो प्यार था, 2022 में आके दम तोड़ देता है। जॉब होने के बाद उन्होंने क्या कहा आपसे? बस कुछ भी नहीं, डायरेक्टली फ़ोन उन बंद, नंबर चेंज, हर चीज़ चेंज। उसके बाद बात नहीं हुआ आपका? बात हुआ, मतलब 2.5 महीना बाद उन्होंने फ़ोन किया उधर से ही, अजीब मतलब कि दूसरे ID से। अभी क्या बोलती है कि अलग अलग धारा तुम्हारे ऊपर लगा दूंगी मैं? हाँ। मैं आपको इनके प्यार की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, एक बार आप दिखाने का प्रयास करिएगा। ये अपनी पत्नी को माही के नाम से पुकारते थे, और उस माही जिसका जॉब हुआ है अभी, जिसने इनको लात मार दिया, साफ शब्दों में हम बोल सकते हैं कि एक बार उनका जॉब हो गया तो इनको नापसंद करने लगी, उनके लिए इन्होंने क्या किया, एक बार आप दिखाने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे जो माही लिखा हुआ है, ये इनके प्यार की गवाही देती है कि ये अपनी पत्नी माही से कितना प्रेम करते हैं। एक बार आप अपनी स्टोरी जो भी है, आप उसके बाद जो बात हुआ, एक बार दिखाने का प्रयास करिएगा कि इनकी पत्नी, जब इनका पत्नी का बिहार पुलिस में जॉब हो गया, तो उन्होंने बहुत बार इनसे वीडियो कॉल पे बात किया, लेकिन अब इनकी पत्नी इनको अलग अलग धाराओं की बात करती है इनसे, और बोलती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, अब मैं तुम्हारे ऊपर ये धाराएँ लगा दूँगी। तो एक बार दिखाने का प्रयास करिएगा। इनकी पत्नी ये है, इनकी पत्नी क्या नाम बताया आपने? पूजा कुमारी इनकी पत्नी है, और ये एक बार निकालिएगा, ये हैं भाई साहब जो हमारे सामने बैठे हैं। अच्छा, घर वाले पसंद करते थे आपको, उनके लड़की के घर वाले? ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब लोग लव मैरिज शादी किए, तो वो भी अपने घर से भाग के आई थी मेरे यहाँ। अच्छा, ना कि घर पे रह रहे थे? कितने दिन तक आपके घर पे रही है वो? 2.5 महीना। 2.5 महीना आपके घर पे रही, उसके बाद जॉब हुआ उसका, उसके बाद फिर जॉब पे जाने के बाद भी कुछ दिनों तक बात हुआ। लेकिन अभी हाल कुछ यूं है कि जिस बंदे ने
घंटों मेहनत किया, ऑटो चलाया, दिन दिन भर खून पसीना बहाया अपनी पत्नी का सपना पूरा करने के लिए। अभी वही पत्नी इनको अलग अलग धाराएं लगाने की बात करती है, कैसा लगता है? बहुत अजीब सा फील होता है कि हम किसके लिए क्या किए थे। आपको क्या लगता है आज के टाइम पे ये ट्रेंड बनता चल रहा है कि लड़के अपनी पत्नियों के लिए, उनके सपने पूरे करने के लिए उनको पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन जब उनकी पत्नी का जॉब लग जाता है, उनकी पत्नी सफल हो जाती है, तो फिर आपके जो परिश्रम रहते हैं वो भूल जाते हैं, इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? कुछ लड़कियों के कारण या फिर वैसे कोई भी लेडीज हो, बस सभी नहीं है, बस कुछ के कारण हर मतलब हर लड़की हर कोई बदनाम हो रहा है, जलील हो रहा है, और उसके कारण हम तो इतना तक कहते हैं किसी भी हो या फिर और कोई हो, बट उसके पढ़ाने लिखाने या जॉब उप के बारे में सोचे ही ना, बट अपने आप का जो भी कर सकते हैं। बताना चाहेंगे, जब भाई साहब अपनी कहानी बता रहे थे तो कहानी बताते समय इनके आंखों से आंसू जा रहे थे, तो मतलब ये अपने शब्दों को बयां नहीं कर पा रहे थे कि इन्होंने क्या किया है उस लड़की के लिए, लेकिन अभी हाल कुछ यूं है कि इनकी जो वाइफ है वो इनसे बात नहीं करती है, इन्होंने जो मेहनत किया है अपनी वाइफ को पढ़ाने के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए, अभी वो सब चीज़ धूमिल हो चुका है, सब चीज़ ख़त्म हो चुका है, बस उसका या तो उसका कहना है कि हम जो भी किए ना अपने दम पे किए हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब क्या चीज़? मैन पावर का सुपरवाइज़र होता है ना, वो है। आप कितना कमा लेते हैं? बस वही बोले ना, 35 से 40 हज़ार तक मेरा भी सैलरी स्लिप हम दिखा सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा सैलरी है मेरा भी। फिर भी छोड़ने का मायने है, गवर्नमेंट जॉब वो करती है, बट हम प्राइवेट जॉब करते हैं। फिर भी छोड़ने का कारण क्या रहा? ये तो हम नहीं बता सकते हैं, काहे कि वो कभी ऐसा से कभी आपने पूछा नहीं उनसे? बहुत कुछ पूछे, बट कभी भी ऐसा नहीं, हाँ यही रीज़न है आपको छोड़ने का, ऐसा कुछ भी नहीं। लड़की ना, आपने जो लड़की के लिए क्या वो सब याद है या फिर वो सब भूल गई? वो तो हर चीज़ भूल गई, मतलब आपने क्या किया? हर चीज़ याद रहती ना तो आज मेरे साथ रहती। जीने मरने का कसम खाया था आपने? एक बार अपने मतलब मांग में सिंदूर किसी के हाथ से पहनना मायने नहीं होता अगर लड़की दिल से सोचे तो। अच्छा, यही बात है। फिर भी एक चीज़ तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हमने इतना कुछ किया, अफसोस है आपको कि हमने बहुत कुछ उसके लिए किया, आपने टैटू तक अपने यहाँ पे शरीर में बनवा लिया अपने वाइफ के नाम का, लेकिन वाइफ जब आपको धाराओं की जो है बातें करती है, बोलती है जेल भिजवा दूंगी, तो फिर कैसा लगता है? बहुत तकलीफ होता है सुन सुन के, और ऐसा सब वर्ड बहुत सारा सुनने को मिलता है अपनों की, सुन के बहुत तकलीफ होता है कि हम किस इंसान के लिए इतना इतना कुछ करते थे, या अपने फैमिली से तक मतलब उसके पर तिलर जाते थे, या फिर कुछ भी हो, नहीं भी मेरा फैमिली मानता था ना तो उसको हम मनाते थे, रिक्वेस्ट करते थे बस उसके लिए, और मेरा फैमिली हमेशा बस मेरे लिए माना था। आपके घर वाले क्या बोलते हैं? अभी क्या बोलेंगे, अभी तो बहुत कुछ बोलते हैं बस उसके प्रति। हम लोग शुरू में बोलते थे ऐसा मत करो, वैसा मत करो। लड़की के घर वालों को पता था कि आप लोग ने शादी कर लिया है, लव मैरिज था जैसा? हाँ, कि आपने बताया। हाँ पता था, सब चीज़ पता था, और पहले से पता था शादी के पहले से हर चीज़ पता था, हाँ ये दोनों मतलब शादी करेगा या ऐसा वैसा, हर चीज़ पता था। और शादी करने के बाद तो मेरा भी पूरा गाँव या उसका गाँव सबको पता हो गया था, हाँ ये दोनों शादी कर चुका है। आपने ऑटो चलाया, आपने प्राइवेट जॉब किया, घंटों मेहनत करवाया उनको फील्ड पे ले आके दौड़वाने में, और भी बहुत सारी चीज़ें आपने बताया, उस चीज़ों का क्या लगता है कि आज के टाइम पे बोला जाता कि प्यार अंधा होता है, लड़के कुछ भी कर जाते हैं प्यार में, तो क्या लगता है इस घटना से क्या आपको सीख मिलता है? बस ये इतना विश्वास किसी के ऊपर ना करें, हम तो बोले ना कि बस लड़की वर्की या अपने वाइफ क्यों ना हो, बस पढ़ाना वराना कोई ज़रूरी नहीं है, जितना हम कर सकते हैं ना अपनों पर दौलत करेंगे, उसको कोई ज़रूरी नहीं, घर में बैठे रहो, जो आपका काम है ना बस उतना सही करो आप। आपने देखा कि एक कहानी अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या की, एक कहानी और प्रसिद्ध हो चुकी है अभी, लक्ष्मण और पूजा की। इनकी वाइफ बिहार पुलिस में जॉब करती, इन्होंने ऑटो चलाया, प्राइवेट जॉब किया, घंटों फील्ड पे मेहनत की अपनी वाइफ के लिए, लेकिन अभी जब उनका जॉब हो गया तो इनको जेल भिजवाने की वो धमकी देती है, और भी बहुत सारी चीज़ें इनको बोलती है। तो आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पे चल रही होती है, जिससे कि सोशल मीडिया के जरिए आप तक ये घटना पहुंचती है कि क्या क्या एक्चुअल में मार्केट में हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, प्यार के बारे में भी बहुत सारे किस्से आए दिन सोशल मीडिया पे वायरल होते रहे हैं।
हमको ये घटना पता चला तो हमने इनसे बातचीत की। बाकी ये घटना जो है बिहार के भागलपुर जिले की घोघा की है और इनका नाम लक्ष्मण है। बताया जाता है कि इनके वाइफ का जो नाम है वो पूजा है, जो कि बिहार पुलिस में जॉब करती है।